हसन से पानीपत जा रही सवारियों से भरी एक निजी बस अचानक पलट गई। बस पलटने से दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा सामान्य अस्पताल में ले जाया गया है, जहां से पांच की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें करनाल रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार असंध बस स्टैंड से सुबह एक निजी बस से यात्रियों को लेकर पानीपत के लिए निकली, तभी चंद किलोमीटर की दूर पर जाकर गांव दनोली के नजदीक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह अचानक पलटकर खेतों में जा गिरी। चश्मदीदों का आरोप है कि बस तेज गति से किसी वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी कि तभी चालक ने बस से संतुलन खो दिया। बस पलटने से बस में सवार कम से कम 18 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए हैं। गनीमत यह रही कि नगर की कुछ एम्बुलेंस गाड़ियां अस्पताल में ही रही थी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस की तीन गाड़ियां, चिकित्सक व पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को नगर के सामान्य अस्पताल लाया गया है, जिनमें से पांच को गंभीर हालत को देखते हुए करनाल रेफर कर दिया गया है, जबकि 13 लोग स्थानीय अस्पताल में भर्ती है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयपाल चहल ने बताया कि कुछ 18 लोग सुबह घायल अवस्था में अस्पताल में आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को छाती व कमर में गंभीर चोटें आई थी। उनके बेहतर व सघन चिकित्सा के लिए करनाल रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी लोग सामान्य अस्पताल में दाखिल हैं। वहीं इस संबंध में पुलिस सभी मरीजों के प्राथमिक उपचार में सहयोग कर रही है और जांच कर शीघ्र ही आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कह रही है। बस ना ओवर स्पीड सी, ओवर स्पीड दे विच जा रही थी, आगे ट्रक आया, उन्होंने क्रॉस किया है, ट्रक ने अपना रुक गया है, इहदे तो संभली नहीं गई। हाँ जी, पूरी स्पीड सी, स्पीड ओवरटेक और इन्हू लगा कुछ नहीं, इन्हें ओवरटेक करके कट मारे अपने आप। केस आया बस पलटने का, इसमें क्या सीन है? इसमें ये सुबह सुबह हमारे पास एक मास कैजुअलिटी आई है, जिसमें एक बस का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है। ये गांव दनोली के पास एक बस पलट गई थी, जिसमें हमारे पास टोटल 18 केस आए हैं कैजुअलिटीज। एम्बुलेंस लेके आई है वहां से उठा के उनको, और उसमें से पांच केसेस को, जिनको थोड़ी ज्यादा चोटें थी, जिनको हमें डाउट था कि इनके हाथ पैर टूटे हुए फ्रैक्चर हैं, उनको हमने करनाल कल्पना चावला और सिविल हॉस्पिटल करनाल में रेफर किया है एम्बुलेंस से, गवर्नमेंट एम्बुलेंस से। बाकी पेशेंट जो है उनके वाइटल स्टेबल हैं, उनका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में। सर कितनी चोटें लगी जो रेफर किए उनको? उनको थोड़ी ज्यादा है चोटें, किसी की पैर टूटा हुआ है, किसी के कमर में चोट ज्यादा है, किसी के सिर में चोट ज्यादा है। इंडिविजुअल अलग अलग मरीज को अलग अलग है चोटें, इसीलिए उनको रेफर किया गया। सर को पता चला बस का एक्सीडेंट कैसे हुआ? बस का एक्सीडेंट का मुझे नहीं पता लगा कैसे हुआ। ये जो बस असंध से स्पीडो की तरफ जा रही थी ना सर, तो काफी स्पीड में थी बस जी सर, और जैसे बस वाला जो ड्राइवर था उसने कट मारा, कट हाँ हाँ, जैसे कोई व्हीकल था उसको सारे उसके जैसे कट मारा ना वहां से जी सर, तो कंट्रोल नहीं है उसके बाद बस का बैलेंस बिगड़ गया, कंट्रोल ना होने के कारण पलटी है बस। प्राइवेट बस थी सर? हाँ प्राइवेट बस, काफी स्पीड में थी, काफी स्पीड में थी, हाँ काफी स्पीड में थी। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।